और छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी, आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, आप सभी जानते हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के सुपुत्र हैं। शहीद विप्लव त्रिपाठी जी के पिता श्री सुभाष त्रिपाठी जी, माता श्रीमती आशा त्रिपाठी जी, उनके परिवार के समस्त सम्माननीय सदस्यगण, ब्रिगेडियर विवेक शर्मा जी, सभी आर्मी के पदाधिकारीगण, हमारे यहाँ के जिला के कलेक्टर एसपी मंच में विराजमान, रायगढ़ के पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी, गुरपाल भल्ला जी, श्रीकांत सोमावार जी और मंच में विराजमान सभी महानुभवगण, मैं करीब करीब सबका नाम जानता हूं लेकिन क्षमा चाहूंगा। सम्माननीय मंच और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित रायगढ़ के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहने, युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज का ये दिन वास्तव में रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में विप्लव त्रिपाठी जी के मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने किया है। आप सब लोगों की उपस्थिति में और आज के इस अवसर में मैं विप्लव त्रिपाठी को नमन करता हूं, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। रायगढ़ के इस सपूत की वीरता की कहानियां रगों में जोश भर देती है। कर्नल विप्लव देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के मिसाल थे। उन्होंने हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों को सबक सिखाया। वे कभी थके नहीं, झुके नहीं, हारे नहीं, दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। कर्नल विप्लव ऐसे शेर थे जिनका सामना करने में देश के दुश्मन घबराते थे, इसीलिए उन्हें आतंकवादियों ने एम्बुश में फंसाया और उन पर हमला किया। जब यह हमला हुआ तब कर्नल विप्लव अपनी पत्नी अनुजा और 7 वर्षीय बच्चे अबीर के साथ थे। कर्नल विप्लव के वाहन में आतंकवादियों ने दोनों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी, तब भी कर्नल विप्लव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की आखिरी गोली तक आतंकवादियों का मुकाबला किया। अंततः अपनी पत्नी अनुजा और अपने पुत्र अबीर के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे शहीद विप्लव त्रिपाठी पर रायगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश को नाज है। और वो ऐसे परिवार से थे जिनकी 3 पीढ़ी देश सेवा में लगी हुई है। उनके दादा रायगढ़ के प्रथम सांसद थे, संविधान सभा के सदस्य थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आज भी जब उनकी 3री पीढ़ी है तो उनके भाई भी आज देश की सेवा में लगे हैं। तो ऐसे परिवार को आज इस अवसर पर उनके पिताजी, उनकी माताजी हैं, उनके और परिवार के सदस्य हैं, सबको हम नमन करते हैं। और उनके मामा जी ने यहाँ के कुछ आवश्यकताओं के विषय में कहा है। यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है और जिस स्टेडियम का नाम भी विप्लव त्रिपाठी जी के नाम से नामकरण हुआ है, वही उनका आज मूर्ति का अनावरण भी किए हैं। और ये स्टेडियम
आगे चल के अच्छा हो, इसके लिए उनके उनके मामा जी ने मांग किया है। आपके यहाँ के विधायक जो आज छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री हैं, पूरे छत्तीसगढ़ का खजाना का चाबी उनके पास है, तो दोनों मिलकर निश्चित रूप से इस स्टेडियम का कायाकल्प करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे। रायगढ़ से तो हमारा बहुत पुराना नाता रहा है, 20 वर्षों तक आप लोगों ने चार चार बार सांसद बनाया, और आज अगर हम छत्तीसगढ़ के सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में हैं, तो इसमें भी रायगढ़ वालों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, अपना ये घर परिवार है। और उनके मामा जी ने एक और इच्छा व्यक्त की है कि उनके नाम से कोई प्रदेश में अलंकरण अवार्ड हो, इस पर हम देख लेंगे क्या हो सकता है, और उस पर भी हमारी सरकार की चिंता रहेगी। अंत में फिर से कर्नल विप्लव त्रिपाठी को मैं नमन करते हुए, उनके माता पिता और समस्त परिजन को नमन करते हुए, और आप लोग सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, इसके लिए आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।